सेंट एंड्रयूज कॉलेज के प्राचार्य द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार किए जाने से आक्रोशित परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि कॉलेज के प्राचार्य के ऊपर काफी अनियमितता के आरोप हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के संगठन मंत्री राघवेंद्र सिंह ने बताया। राघवेंद्र, संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद का, आज हम लोग सेंट्रल ड्यूज में वहाँ के प्राचार्य महाशिक्षकों के द्वारा हो रही तानाशाही रवैया से जो विद्यार्थी उनके पास प्रवेश के लिए जाते हैं उनसे कहा जाता है हमारी पास चिट्ठी नहीं है, प्रवेश चाहिए तो आप 20,000 रुपये 30,000 रुपये सीधे मांगा जाता है, अन्यथा आप इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं। वहाँ विद्यार्थियों को प्राचार्य के ऑफिस से, ऑफिस में घुसने से सीधे ढकेल के बाहर कर दिया जाता है। ऑफिस में जाने से पहले आप बाबू से बात करिए, वहाँ पैसा जमा करिए, तब आप इस महाविद्यालय में आ सकते हैं। आज हम लोग अपने इस सारी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपने के लिए गए। उन्होंने, प्राचार्य ने कहा कि केवल हम दो लोगों से मिल सकते हैं, ये हुआ हमारे सभी विद्यार्थी शांत होकर आपसे ज्ञापन देंगे। जब विद्यार्थी ज्ञापन देने के लिए जाते हैं तो उन्होंने सारे वहां शिक्षक जो होते हैं तानाशाह कि हमारे प्राचार्य के सामने सभी नहीं आ सकते, विद्यार्थियों को ढकेल के बाहर निकाला गया, उनके शर्ट को फाड़ दिया गया। वहां के शिक्षक, वो शिक्षक केवल नाम दिया गया है, वहां के बास और वहां के गुंडागर्दी शिक्षकों के नाम पे की जा रही है। इन विद्यार्थियों के साथ आए दिन ये तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे हमारे सारे विद्यार्थी परेशान होकर विद्यार्थी परिषद से आके इन समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने ये किया कि आज हम लोग एक ज्ञापन बना के ले जाएंगे, उन्हें अवगत कराएंगे, अगली बार हम प्रदर्शन करेंगे, फिर नहीं मानेंगे, फिर तीसरी बार जानेंगे। लेकिन यह प्राचार्य हम लोगों को प्रदर्शन ज्ञापन क्या, ज्ञापन को ही ये प्रदर्शन, इन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो बात करने वाले, ये सीधा कि मैं आपसे नहीं लिख सकता, ये जेके लाल वहां के प्राचार्य सेंट्रल ड्यूज जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हम लोग वहां काफी देर से बैठे। जब वहां प्राचार्यों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों के ऊपर हाथ उठाया गया, वहां विद्यार्थियों को ढकेला गया, मारा गया, हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी, जिलाधिकारी सबके पास बात हुई, सारे पुलिस प्रशासन रहने के बाद भी वहां कोई नहीं आया इन विद्यार्थियों के साथ। ये विद्यार्थी यहां विवश होकर जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी बात को रखने के लिए आए कि हमारी बात को आप समझे, ये प्राचार्य कैसा है, इस प्राचार्य को संज्ञान में लेकर इसके ऊपर तुरंत तत्काल कार्यवाही किया जाए। इस बात को लेकर ये सारे विद्यार्थी यहाँ कार्यालय पर विवश होकर पहुंचे हैं, जिलाधिकारी कार्यालय पर।